बेस्वाद खाने को भी टेस्टी बनाए सिर्फ एक मिनट की ये रेसिपी झटपट से बनकर तैयार होती है। ये बहुत ही कम सामग्री में बनकर तैयार होती है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। हमने एक पैन में एक चम्मच तेल डाल दिया, उसके बाद हमने इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और साथ में ही 1/4 चम्मच हम इसमें राई डालेंगे। ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है। और दोनों तड़कने के बाद हम इसमें 2 चम्मच सेंगदाना डालेंगे, साथ में ही 2 चम्मच हम इसमें लहसुन डालेंगे और मिर्ची कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। मीडियम आंच पर ही हमें इसे पकाना है। इसका कच्चा हल्कापन चला जाए उसके साथ ही हम 2 लाल मिर्ची लेंगे, जिससे कि इसका कलर काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव लगता है और खाने में भी काफ़ी इसका टेस्ट बढ़ जाता है। इसी तरह से जैसे महाराष्ट्र ढेचा होता है वो सिर्फ लाल मिर्ची से बनता है, इसे आप कुटनी में भी कूट सकते हैं, पर ज़्यादा मेहनत कौन करे। तो आप इसे एक मिक्सर जार में इस तरह से डालकर पीस सकते हैं और इसे 2 बार हल्के से चलाना है रुक रुक कर, जिससे कि ये अच्छे से पिसा जाए। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालकर हमें दरबरा पीस लेना है इस तरह से। ये देखिए एकदम वैसे ही लग रही जैसे हम सिलबट्टे पे पीसते हैं, वैसी चटनी लग रही है। चलिए सर्व करते हैं। देखिए 2 मिनट भी हमें ये चटनी बनाने में नहीं लगा, लेकिन इसका स्वाद अचार को भी ये मात देता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे सिर्फ रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे मैंने बनाया, बहुत ही टेस्टी था, तो हमने तो उसी दिन ख़त्म हो गया। तो आप इसे ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं। तो चलिए इसे टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा लगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए।